सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। और गाइज, अभी हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट और हमारी आज की जर्नी होने वाली है दिल्ली टू कानपुर बाय शताब्दी ट्रेवल्स। और गाइज, जो टिकट के प्राइसेस हैं, बाकी डिटेल्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो मैं वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइस, बात की जाए बस की टाइमिंग की, तो यार वो रात को 11:30 बजे है। अभी मैं हूँ नोएडा सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन पे। आप देख सकते हैं कितना खाली पड़ा हुआ है यार। तो फायदा भी है यार, लेट नाइट जो बसेस या ट्रेन्स करें तो उसमें जो है मेट्रो आपको खाली मिल जाएगी और आप बहुत ही आराम से रीच कर सकते हो। सो गाइस, अभी हो रहे हैं 10:50 और मैं आ चुका हूँ कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन पे। और जो लोकेशन है गाइस बस की बोर्डिंग की, वो है यार गेट नंबर 2 मंदिर वाली पार्किंग। हाँ जी, तो बात करो बस की डिटेल्स की, बस का नंबर की और ड्राइवर के फोन नंबर की, तो वो यार ट्रैवल कंपनी 1 घंटे पहले भेज देती है, जो कि मेरे पास आ चुका है। बात करूँ यार बोर्डिंग पॉइंट की, तो यार टिकट पेमेंट है मोरी गेट मंदिर वाली पार्किंग गेट नंबर 2। हाँ जी, और यहाँ पे यार शताब्दी ट्रैवल का ऑफिस भी है, जो कि शॉप नंबर 14 है। रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है वो 30 मिनट्स बिफोर है बोर्डिंग टाइम के। तो गाइस, आप देख पा रहे हो गया, चाहे वो कल्पना ट्रैवल हो, चाहे वो इंटरसिटी हो, चाहे वो शताब्दी ट्रैवल हो और अन्य ट्रैवल्स जितनी भी बसेज हैं, वो सारी बसेज यहीं से ही बोर्ड करती हैं। बात करूं यार अगर शताब्दी ट्रैवल की, तो यार ये काफी ज्यादा जानी मानी ट्रैवल कंपनी है, जो कि आती है फ्रॉम कानपुर, जो कि बिलोंग करती है कानपुर से। हाँ, चाहे बात की जाए भारत बंद की, चाहे बात की जाए अशोक लेलैंड की और अन्य बसें भी इनके अंडर में। इनकी जो बसेज हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में, मोस्टली जो है इनकी जो बसेज हैं वो दिल्ली, लखनऊ, आगरा और डिफरेंट जगहों पे जाती हैं काफी। सामने देख सकते हो यहाँ पे इंटरसिटी की भी बसेज लगी हुई हैं और ये सेम ही कंपनी की बसेज जिससे हम कानपुर से दिल्ली आए थे। तो इसका एक्सपीरियंस जानने के लिए आप जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, कानपुर से दिल्ली बाय इंटरसिटी। सो गाइस, फाइनली हमें हमारी बस मिल चुकी है और यही बस हमको लेके जाएगी दिल्ली से कानपुर। हाँ जी, सो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है अंदर का केबिन व्यू। सो गाइस, यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में डबल स्लीपर है और राइट साइड में सिंगल स्लीपर है। तो गाइस, बात करूँ यहाँ बस के टाइप की, तो ये है अशोक लेलैंड एसी स्लीपर है। हाँ जी, जो कि आप पीछे देख पा रहे हो रेड कलर की लगी हुई है बस, और यही हमको लेके जाएगी कानपुर। सो गाइस, बस के अंदर जो एसी की फैसिलिटी अवेलेबल है, ब्लैंकेट्स अंदर रखे हैं। अभी देखते हैं वाटर बॉटल का क्या सीन है, प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, ऑल्दो टिकट पे मेंशन है। और लाइव ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, कैमरास लगे हुए हैं फॉर सेफ्टी एंड प्राइवेसी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दिल्ली से कानपुर की जर्नी की, तो यह 7 से 8 घंटे के बीच होने वाली है, जैसा कि अभी कंडक्टर साहब ने बोला। तो गाइस, बस की कंडीशन जो है बाहर से तो काफी अच्छी लग रही है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और वीडियो बने रहिए, लास्ट में आपको मैं एक एक डिटेल शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, आप ये देख सकते हो, ये डबल स्लीपर कॉम्बो वाला सीट है हमारा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप वाटर बॉटल या कुछ भी रख सकते हो और चीजें। और ये जो है इन्होंने ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करी हैं, जो कि काफ़ी क्लीन दिख रही हैं। और ये एसी के वेंट होल्स हैं, जो कि आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ये लाइट के लिए इन्होंने स्विच दे रखा है। उसके बाद ये 2 होल्स और हैं एसी के लिए वेंट होल्स। और गैस, बात करूँ यार यहाँ के स्पेस की, तो यार ये अप्रोप्रिएट लग रही है अभी तक तो। और गैस, ये कर्टन प्रोवाइड किए गए हैं फॉर प्राइवेसी, आप इसको बंद करके आराम से सो सकते हो। सो गाइस, हो रहे हैं 11:30 और हमारी गाड़ी भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, एसी सारे ऑन हो चुके हैं। सो चलिए जर्नी को स्टार्ट किया जाए और बने रहिए वीडियो में। They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. So guys, abhi raat ke 1:30 ho rahe hain aur abhi hum Delhi se almost 80 kilometers ki duri pe hain. और ये यहाँ पे लिया है इन्होंने पहला होल्ड। हाँ जी, सो गाइस,
सुवेद, अभी तक जो है बस जो है ऑन टाइम चल रही है और जो ड्राइवर हैं वो भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं। और तो गाइस बात करूं यार अभी तक के एक्सपीरियंस की, तो यार सस्पेंशन सिस्टम ना गाड़ी का इतना बढ़िया है यार, अंदर यार पता भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी चल रही है। बस बने रही वीडियो में आखिरी तक, आगे का मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। जो दिल्ली से कानपुर की डिस्टेंस है यार वो है अप्रोक्सीमेट 474 किलोमीटर। अब आइए बात करते हैं इस बस के रूट की। तो ये बस जो है ये निकलती है रात के 11:30 बजे कश्मीरी गेट से, और उसके बाद ये पहुंचती है ग्रेटर नोएडा, और फिर परी चौक जीरो पॉइंट होते हुए ये पहुंचती है यमुना एक्सप्रेसवे पे, एंड देन ये यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करते हुए ये निकलती है सीधा आगरा, एंड देन आगरा से ये पहुंचती है इटावा, और इटावा से औरैया पहुंचती है, और उसके बाद औरैया से ये अकबरपुर होते हुए ये मॉर्निंग में पहुंचती है कानपुर। सुबह अभी हो रहे हैं सुबह के 7, और यार औरैया क्रॉस हो चुका है, बस जो है लेट है थोड़ा सा, और यहाँ से अभी जो कानपुर है वो दिखा रहा है 90 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, तो अभी 1.5 घंटा लगने वाला है यहाँ से। और बात करूँ यार अभी तक के एक्सपीरियंस की, तो यार एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा शताब्दी ट्रैवल से। और यूजुअली मैं पहले जो है जब इंटरसिटी इस रूट पे नहीं थी तो मैं इसी ट्रैवल से ट्रैवल करता था, अभी ये भी ट्रैवल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक समय शताब्दी एक शताब्दी ट्रैवल है। सो गाइस बात की जाए बस की कंडीशन की, तो यार बस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। जैसा कि आपने देखा मैंने बताया था कानपुर से दिल्ली जिस बस से आया था वो थोड़ा सा मेंटेनेंस मांग रही थी, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप जाके आई बटन में क्लिक करके वो देख सकते हो। और जो करेंटली जो बस है शताब्दी ट्रैवल की टॉप नॉच कंडीशन में है, कोई भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होंगे अंदर, सस्पेंशन अच्छा है, और बाकी जो एसी है फुल अच्छे उसमें एसी फुल पावर में काम कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो जैकेट यूज करनी पड़ती है। गाइस अभी हो रहे हैं 8:40 और हमें बस ने ड्रॉप कर दिया है फजल लोन चौराहे पे, जो कि शताब्दी ट्रेवल का जहाँ पे ऑफिस है। गाइस ये आप देख सकते हो ये है ऑफिस फजल लोन में शताब्दी ट्रेवल का, और गाइस जो शताब्दी ट्रेवल है वो 1992 से है इस्टेब्लिश्ड है, और जो इनकी जो वैसे तो बोलते हैं कानपुर बेस्ड है, लेकिन यार ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो इनकी फर्स्ट बस थी जो इनका फर्स्ट ऑफिस था वो इंदौर में था, और जो फर्स्ट बस थी वो इंदौर से जो है चली थी ग्वालियर की तरफ। हाँ जी, और गाइस जो इनके फाउंडर हैं वो श्री नारायण शर्मा जी हैं, कि मैंने बोला था इनके पास और भी लग्जरियस बसें हैं, तो आप पीछे देख सकते हो ये खड़ी है भारत बेंस की, और मैं इससे भी ट्रैवल कर चुका हूँ, ये भी जाती है न्यू दिल्ली के रूट पे। तो गाइस शताब्दी ट्रैवल जो है ये ओन करती है मोर देन 70 बसेस, और गाइस आते हैं अब हम फाइनल वर्डिंग्स पे। तो यार जो इनकी टिकट थी यार वो अप्रोक्सीमेट 1500 की पड़ी थी, जो कि जो है फेस्टिव सीजन में ये फ्लक्चुएट होती रहती है, और फेस्टिव सीजन में तो और ज्यादा ये महंगी हो जाती है, और आप इसको जाके रेड बस से बुक कर सकते हो, और डिफरेंट एप्लीकेशन से भी इनकी जो बसेज हैं वो बुक हो जाएंगी। सो गाइस अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यार बस जो थी वो टॉप नॉच कंडीशन में थी, क्लीन थी, ब्लैंकेट प्रोवाइड किए गए थे, केबिन बहुत ज़्यादा साफ था, लाइट्स ऑन थी बीच में। सो गाइस जो बस थी वो 1 घंटा लेट थी, और यार कोई ट्रैफिक भी नहीं था ऐसा कि जाम लगाओ, उन्होंने कई जगह हॉल्ट लिया था वो भी लंबे हॉल्ट लिए थे, तो उस पर तो इनको वर्क करने की ज़रूरत है। बट यार बीइंग ए पैसेंजर मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहूंगा कि यार इतने लॉन्ग रूट पे यार 1-1.5 घंटा अगर लेट हो रही है तो बीइंग अ पैसेंजर हमको भी 2-3 घंटे का टाइम लेके चलना चाहिए, क्योंकि यार इतने लंबे रूट पे हाईवे पे कई बार ट्रैफिक लगा हो सकता है यार, और कई बार कुछ और अनसर्टेन सिचुएशंस हो सकती हैं। गाइस करते हैं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यार अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन सी यू सून।